तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? ऐसे मस्त होंगे तो ऐसे ही मस्त रहना। फिलहाल दोस्तों आज की टॉपिक अगर हम बात पहले कर लेते हैं तो फिलहाल दोस्तों आप सबको थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि आज का जो वीडियो किसके ऊपर बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, OB27 का अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या क्या अपडेट होगा और क्या क्या चीज़ें आपको हमारे इंडियन सर्वर में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में बने रहना और वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और ज़्यादा एक शेयर भी कर देना। तो फिलहाल दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी फ्री फायर टीम सेंट्रिक वीडियो मिलती रहती है और मिलती ही रहेंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों OB27 का जो अपडेट है फिलहाल और 10-12 दिन के बाद ही आएगा, जो कि उसका जो डेट रिवील नहीं हुआ है। फिलहाल दोस्तों 10-12 दिन के बाद ही आएगा। फिलहाल उसमें अंदर जो क्या क्या आएगा, तो फिलहाल दोस्तों उसके अंदर आपको कैरेक्टर चेंज हो सकता है। 3 कैरेक्टर, नया नया कैरेक्टर आने वाला है, वो आ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तो परमानेंट में पता नहीं सकता, लेकिन आ सकते हैं फिलहाल ना। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में बने रहना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों OB27 का जो अपडेट के बारे में बात करता हूँ, इसके बाद दोस्तों आपको एक बर्मुडा का जो रीमास्टर का मैप जो है वो फिर से आने वाला है, उसमें कुछ चेंजेस के बाद। तो ठीक है ना, उसका तो डेट फिक्स नहीं हो और क्या क्या आने वाला है वो भी नहीं पता है। तो फिलहाल दोस्तों वो मैं बाद में बनाऊंगा जब आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर दोस्तों पहले मैं बता देता हूँ आपको जो OB27 का अपडेट के बारे में। एक जो ये लड़की का जो देख सकते हैं स्नो वाला कैरेक्टर आपको हमारे इंडियन सर्वर में मिल जाएगा, जो कि बहुत ही वो OP चीज़ है, OP कैरेक्टर है। फिलहाल इसका जो बहुत सारे कुछ जो इसका एबिलिटी स्किल है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। फिलहाल दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका जो दोस्तों इसका जो स्किल है, अगर आप एक बंदे को एक एनिमी को मारेंगे फिलहाल दोस्तों, अगर उसके बॉडी पर एक गोली लग गया तो फिलहाल दोस्तों वो 5 सेकंड के लिए कोई भी एबिलिटी यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि आलोक, क्रोनोस, कैलर या फिर कुछ भी। ठीक ना दोस्तों, आप अगर इसका एक एबिलिटी तो इसको ऑन कर देंगे तो वो एग्नेस्ट में जो बंदा होगा वो अपने जो स्किल को यूज़ नहीं कर सकता 5 सेकंड के लिए, जो कि दोस्तों आपको बंदे को मारने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। तो फिलहाल दोस्तों इसके बाद आपको और भी एक जो बहुत ही OP यहाँ पर कैरेक्टर मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर बता देता हूँ और भी 2 कैरेक्टर है। तो इसके बाद दोस्तों आता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेवर कैरेक्टर मिल जाएगा, जो कि दोस्तों बहुत ही OP चीज़ है। फिलहाल दोस्तों अभी तक हमारे सर्वर में नहीं आया, तो फिलहाल ये आने वाला है। तो दोस्तों इसके भी एबिलिटी के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। फिलहाल आपको ये कैरेक्टर में आपको बहुत ही OP चीज़ें मिलने वाला है, जो कि पहले कोई भी कैरेक्टर नहीं देता है। फिलहाल दोस्तों आपको अगर एक बंदे को आप मारते हैं तो फिलहाल दोस्तों इंस्टेड आपको 40 HP बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो आपको 40 HP इंस्टेंट ही बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक कैरेक्टर में बढ़ता है आपको जो अगर मशरूम होता है तो आपको बढ़ता है। फिलहाल यहाँ पर मशरूम कुछ भी नहीं चाहिए। फिलहाल आप अगर एक बंदे को मारेंगे तो फिलहाल आपका जो क्या 40 HP आपको बढ़ जाएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कितना OP चीज़ है। फिलहाल दोस्तों इसका जो एबिलिटी है, तो फिलहाल इसका एबिलिटी जो है आपको 45 सेकंड के बाद भी आपको मिलेगा सेकंड बार चांस यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों इसके बाद बहुत ही बढ़िया चीज़ आती है, तो कि दोस्तों बहुत ही OP कैरेक्टर है। कोई बंदे को पता है फिलहाल दोस्तों फ्री फायर में पहले शायद 1 साल पहले ही वो रिलीज कर दिया था एक कैरेक्टर, वो अभी तक नहीं आया है। तो फिलहाल वो आने वाला है। जी हाँ ना, तो दोस्तों क्या है वो कैरेक्टर यह देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये कैरेक्टर जो कि ज़्यादा OP बहुत ही वाला OP कैरेक्टर है। इसका नाम जो है वो दोस्तों यहाँ पर सेंटोर देख सकते हैं, आधा घोड़ा का निचले भाग से घोड़ा रहेगा और ऊपर से आदमी का जो वेश रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों ये जो कैरेक्टर है वो बहुत ही पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन दोस्तों अभी तक नहीं आया है। तो फिलहाल अप्रैल के महीने आ सकता है, जो कि हमारे प्रेडिक्शन बता रहा है। तो फिलहाल दोस्तों बहुत ही OP वाला देख सकते हैं कैरेक्टर, कितना खतरनाक दिख रहा है वो बहन, जो एनिमेशन वाला देख सकते हैं। तो दोस्तों ये शायद 2020 में डिक्लेयर किया था फ्री फायर ने, ये कैरेक्टर इंडियन सर्वर में आ जाएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे ही इसका कैरेक्टर जो लुक है वो ऐसे ही रहेगा, वो बहुत ज़्यादा OP होगा और ये रनिंग में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, जो कि दौड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गया ज़्यादा।
तो फिलहाल दोस्तों इसके बाद ही बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा आने वाला है यहाँ पर गोन का स्किन भी आने वाला है जो कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यूजी का गन हमारे जो फ्री फायर में आने वाला है बहुत ही जल्दी आने वाला है, जो कि दोस्तों कुछ दिन पहले फ्री फायर ने जो अनाउंस कर दिया था ये देख सकते हैं ये वाला गन। और ये दोनों ही यूजी के कैटेगरी में जाते हैं जो कि दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा खतरनाक गन दिख रहा है जो कि दोस्तों एसएमजी का गन होने वाला है और ये शॉर्ट रेंज में बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। आप सभी को पता ही होगा कि यार कि ये जो गन है पहले कितना मार्केट लिया है पबजी में, तो फिलहाल दोस्तों ये फ्री फायर में आने वाला है जो कि खतरनाक गन है। तो फिलहाल दोस्तों आप यहाँ पर देख कितने जो मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताया जो कि OP27 अपडेट के बाद आने वाला है दोस्तों, आप कैसा लगा कमेंट में बताना। और दोस्तों यहाँ पर और एक चीज़ मैं बात कर लेता हूँ जो कि दोस्तों इसका जो आने वाला है जो बर्मुडा रिमास्टर का जो अपडेट आने वाला है फिलहाल दोस्तों ना उसके बारे में हम भी थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों बर्मुडा जो रिमास्टर के बाद दोस्तों यहां पर आपको टाइम तो वैसे दोस्तों डिक्लेयर नहीं किया है कब आएगा, लेकिन दोस्तों अभी इंडियन सर्वर में आपका जो नोटिफिकेशन आ गया है जो कि नया बर्मुडा रिमास्टर आने वाला है, तो फिलहाल दोस्तों उसका कोई भी डेट और टाइम डिक्लेयर नहीं हुआ, तो जो भी डिक्लेयर हो जाएगा तो मैं दोस्तों आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा और क्या क्या चीज़ उसमें टास्क दिया जाएगा इवेंट दिया जाएगा तो उसके बारे में वीडियो लेके चला आऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में कैसा लगा आप कमेंट में बताना और कौन सी चीज़ आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।